मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको डेसिमल नंबर्स के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के डेसिमल नंबर्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल डीपली जानकारी देंगे। और ये डेसिमल नंबर्स आपके क्लास 8th, 9th, 10th के साथ साथ टीटी एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम और पीटी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। डेसिमल नंबर्स कुल 3 टाइप्स की होती हैं प्यारे बच्चों। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल्स, जिनको हम अशांत अनुवर्ती दशमलव बोलते हैं। थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स, जिनको हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं। आइए हम एक एक करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो रेशनल नंबर है, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो रेशनल होता है। और आपको पता है बच्चों कि रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बदली जा सकती है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। याद रखना बच्चों, क्या होता है, रेशनल नंबर होता है और वो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। और कौन से रेशनल नंबर शांत दशमलव में होंगे, जिनका डिनोमिनेटर अर्थात हर जो डिनोमिनेटर है उसका जो फॉर्म है वो फैक्टराइज करेंगे तो ऑलवेज 2 पावर n फॉर्म में आएगा। इट इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m × 5 पावर n ओनली। इसे एकदम याद रखेंगे प्यारे बच्चों, क्लास 10th और 9th में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी फ्रैक्शनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो वो फ्रैक्शनल नंबर जिसको हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो हमेशा केवल और केवल 2 पावर m, 5 पावर n में आता है, तो समझिए वो टर्मिनेटिंग होगा। आपको यहाँ एग्जाम्पल की सहायता से समझाएंगे। जैसे देखिए 3/5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में केवल 5 आया हुआ है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 ही रहेगा वो, तो इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और यहाँ मैं आपको बदल करके दिखाया हूँ बच्चों, अगर हम 3/5 यानी 3.0 को 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 0.6 ही आता है। देखिए 5, 6 जा 30 यानी 3.0 हो गया। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका एंड हो जाए, अर्थात हम फ्रैक्शनल फॉर्म को अगर डिवाइड करें तो एंड हो जाएगा, यहाँ पे आगे कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही होगी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है बच्चों 3/20, 20 को फैक्टराइज किया तो 2 पावर 2 × 5 पावर 1 आया है। और ये देखिए, चूँकि इस फॉर्म का है 2 पावर m × 5 पावर n, इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जैसे ही हम 3.00 को 20 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 0.15, यानी ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ आगे कोई और भी डिजिट आने वाली नहीं है। इसी तरह से 7/200 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है 2 पावर 3 × 5 पावर 2 है, यानी ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म का है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7 को 200 से तो उसका डेसिमल फॉर्म मिलेगा 0.035। आइए हम दूसरी प्रकार के डेसिमल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, जिसको हम अशांत अनुवर्ती दशमलव बोलेंगे। अशांत क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स जो होती हैं वो अभी रुकती नहीं हैं, टर्मिनेट नहीं होती हैं, डिजिट्स बार बार वहाँ पर रिपीट होती हैं, इसलिए अनुवर्ती भी बोला गया है। अनुवर्ती अर्थात रिक्योरिंग, जिसका रिपीटिशन होता है। और ये कहाँ मिलती हैं बच्चों, ऐसी रेशनल नंबर, ऐसी फ्रैक्शनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म की हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स होता है 2 और 5 ही नहीं रहता है, उसके अलावा और भी कोई प्राइम फैक्टर मिल जाता है, जैसे 3, 5, 7, 11 ऐसे।
तो यहाँ पर है द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m × 5 पावर n ओनली लगा गया है, यानी केवल इसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। q हैज़ अदर प्राइम फैक्टर्स लाइक 3, 5, 7, 8 एक्सेट्रा। ये भी दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होता है साधारण आवर्ती यानी सिंपल रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, एक होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव अर्थात मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए सिंपल कहाँ होता है, जहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट्स बार बार रिपीट करती हैं, टोटली रिपीट करती हैं। जैसे 1/9 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1111 रिपीट करेगा, तो ये 0.1 बार हो गया। दूसरा है 1/6, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 1 को 6 से, तो यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर 6 है, यानी 2 और 5 के अलावा दूसरी नंबर फैक्टर में है, यहाँ भी 2 और 5 के अलावा दूसरी कोई फैक्टर प्राइम फैक्टर है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल होगा। इसको डिवाइड करने से हमको रिजल्ट मिलता है 0.1666 इनफाइनाइट टाइम, यानी 0.16 बार। बच्चों जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट करती है उस पर हम एक मार्क लगा देते हैं जिसको बार बोला जाता है। ये रहा कि हम फ्रैक्शनल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा मिलता है, तो क्या हम डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसके लिए तो प्रोसेस है ही, लेकिन यहाँ आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा जिससे कि एग्जाम में फटाफट आप कैलकुलेट कर लें, रिजल्ट प्राप्त कर लें। जैसे कि 0.111 मेनी टाइम रिपीट कर रहा है, यानी 0.1 बार है, अगर एक ही डिजिट पर बार है तो 1/9 कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 0.2222 मेनी टाइम रिपीट कर रहा है, यानी 0.2 बार है, तो एक ही डिजिट पे बार है, तो उस डिजिट को न्यूमरेटर में करके हम 9 लिख देंगे। प्यारे बच्चों दूसरी एग्जांपल है 0.3232, यानी 32 रिपीट कर रहा है, 32 पर यहाँ पर बार आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 32 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 99 कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से बच्चों देखिए 0.415 बार है, यानी ये ग्रुप ऑफ डिजिट यानी एक डिजिट से ज़्यादा है, बार बार रिपीट कर रही हैं, और 0 पॉइंट है, साधारण है, ये सिंपल फ्रैक्शन में आएगा। कैसे आएगा, इसको हम न्यूमरेटर कर देंगे 415 को, और डिनोमिनेटर में जितना रिपीट, 1, 2, 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रही थी, तो 3 बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। बच्चों आते हैं इसके हम मिक्स्ड फॉर्म में, जिस मिश्रित वाले हैं, यानी उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है या डेसिमल के पहले कोई होल नंबर है, वो क्या है, मिश्रित आवर्ती दशमलव या मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। इसको हम p/q यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ भी हम आपको शॉर्टकट बताएंगे जिससे आप बस 1 से 2 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए 1.2 बार है, इसका मतलब है कि 2 केवल रिपीट कर रहा है। बच्चों जब भी इसका हमको फ्रैक्शन प्राप्त करना है, फ्रैक्शनल फॉर्म, तो इसको टोटल डिजिट्स को लिख देंगे, डेसिमल नहीं लगाएंगे, बार भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे, और जिस पर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, 12 लिख देंगे, जिस पर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, और अपान एक ही डिजिट पर अगर बार आया है तो 1 × 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा 11/9। क्या मिल जाएगा, 11/9। और यहाँ देखिए एग्जांपल में था ना 1.2 बार इक्वल टू 11/9, यहाँ रिवर्स प्रोसेस में हम प्राप्त कर लिए 11/9। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 1.23 है, यहाँ पर 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आप पूरी डिजिट को लिख देंगे, न तो डेसिमल लगाएंगे, न ही बार लगाएंगे, पूरी डिजिट को लिख देंगे 123 यानी 123 होगा, और उसमें माइनस क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जिस पर जो रिपीट नहीं कर रहा है, जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा उसको माइनस कर देना है, और अपान चूँकि 2 डिजिट यहाँ रिपीट कर रही है तो 2 बार 9 लिखेंगे, यानी 99 लिख देंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 122/99 हो जाएगा। अगला देखिए 3.01 बार है बच्चों, इसमें भी वही प्रोसेस लगने वाला है, यहाँ पर हम
सारी डिजिट को लिख देंगे, डेसिमल नहीं लगाएंगे। पूरी डिजिट से कितना नंबर बनेगा, 301 बनेगा, 301 लिख दिया। उसके बाद हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जो रिपीट नहीं कर रही है वो डिजिट आगे हम लिख देंगे। तो क्या रिपीट नहीं कर रही हैं, 30 रिपीट नहीं कर रही है, इसे 30 होता है, 30 को हम आगे माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 271/90। बच्चों एकदम इजी है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए न्यू एग्जांपल जो फोर्थ है इसमें देखिए और बड़ी संख्या दी गई है। बच्चों इसमें पहले क्या करना है, सारी डिजिट जो आपको दिखाई पड़ रही है बिना डेसिमल के लिख देना है। उसके बाद उसमें से हम माइनस करने वाले हैं वो डिजिट जिस जो रिपीट नहीं कर रही है, यानी जिस पर बार नहीं आया है। किस पर बार नहीं आया है, 11 पर बार नहीं आया है, तो 11 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो रिजल्ट आए वो 3-1 क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा और 1111 हो जाएगा। अपान बेटा यहां पर डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखने के लिए जो रिपीट कर रही है जिस पर बार है उतना 9 लिख देते हैं। दो बार रिपीट कर रही है ये, यहाँ 2 लिख दिया। और जो रिपीट नहीं कर रही है डेसिमल के बाद उसके लिए 0 लगाते हैं। पिछले एग्जांपल में भी देखिए डिनोमिनेटर कैसे लिखा गया है, जो रिपीट कर रही है उतना 9 लिखना है, जिस पर बार है उतना 9 लिखना है, जिस पर बार नहीं है डेसिमल के बाद उसके लिए हम 0 लगा देते हैं। 9 के आगे 090 हो गया। यहाँ पर देखिए दो डिजिट रिपीट कर रही है तो 2 9, और जो रिपीट नहीं कर रही है डेसिमल के बाद, एक ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं कर रही है तो 1 0 लिख देंगे, इसलिए डिनोमिनेटर हो जाएगा 990। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त करके हम इसका P/Q का एग्जैक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त कर लेंगे। तो बेटा ये 2 के रहे डेसिमल नंबर्स, एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। दोनों के दोनों रेशनल नंबर होती है, परमेय संख्या होती है, जिसको हम P/Q फॉर्म में बदल सकते हैं। लेकिन जो तीसरी प्रकार की है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स, यानी वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, और लेकिन नॉन रिक्योरिंग है यानी अनावर्ती है, उसमें पुनरावृत्ति जो होती है किसी डिजिट की और किसी ग्रुप ऑफ डिजिट की नहीं होती है। तो जब ये रिपीट नहीं होती है किसी डिजिट को तो उसको हम P/Q फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, अर्थात इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकेंगे। यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है, 0.10 है, फिर 1 के बाद 00 है, फिर 1000 है, यानी यहाँ पर कोई भी फिक्स डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। नंबर ऑफ डिजिट यहाँ चेंज होती गई हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर है और ये P/Q फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो पूछा जाता है कि रेशनल है या इरेशनल, तो ऑलवेज आप इसको बताएंगे इरेशनल। दूसरा एग्जांपल है 1.10, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह से ये बदलाव हो गया है। तो बच्चों इसलिए फिक्स डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, आगे हमेशा चेंज हो जा रही है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, P/Q फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे और सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स हैं वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने रहे 3 ऑफ डेसिमल नंबर्स, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें, परख लें। ये आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों कैसा रहा आज का वीडियो, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।